Hello 8th standard students, how are you all? This is drawing lecture today. Take out your creative drawing book, this book. Now open your book. Page number 38. Page number 38, natural drawing. जो हम नेचर का ड्राइंग करते हैं वो नेचर ड्राइंग. यहाँ पे दो तरह के फूल के पौधे हैं. पेज नंबर 38 नेचर ड्राइंग. ये द नेचर ड्राइंग ऑफ पेरीविंकल इज ड्रॉन ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पर पेरीविंकल का प्लांट ड्रॉ किया है एंड दैट ऑफ चांदनी इज ड्रॉन ऑन द राइट साइड. ये चांदनी नाम का कोई प्लांट है तो वो राइट साइड पर ड्रॉ किया. क्रिएटिव नेचर ड्राइंग्स ऑफ बोथ द पिक्चर्स आर ड्रॉन अबाउट देम. इसके बाद ऊपर छोटा सा स्क्वायर बना के दोनों स्क्वायर यहाँ ये दोनों ड्रॉ करेंगे. ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर किसी उसी प्लांट का कोई हिस्सा लेकर कुछ अलग ढंग सजा कर देखिए. ये पत्ता है, ये कोई और पत्ता शायद बीच में आ गया, या कली है, ये कली वाली ये डाली है, कैसे अलग ढंग से सजा रख दिया है. यहाँ पर भी ये डाली है और ये लीफ है, लीफ को अलग ढंग से सजाया है. पर उसके बाद इस तरह से क्रिएटिव ड्राइंग ये किया है. फिर उसके अंदर से कुछ टेक्स्चर भरे कैलीग्राफी पर किए हैं, है ना. तो फिर दोनों में इस तरह से फिर हल्के से कलर करना, कोई लाइट कलर वाटर ज़्यादा ऐड करके बराबर. और फिर स्केच पेन से ये कैलीग्राफी वर्क करना है कलरिंग स्केच पेन से. तो दोनों ड्राइंग आपको पेज नंबर 38 पे से देखकर वैसा ही 39 पर बनाएंगे. ओके, पेज नंबर 38 का देखकर पेज नंबर 39 पर बनाएंगे. पेरिविंकल और चांदनी. चलिए हम पेज नंबर 39 पर आएँ जहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, जहाँ पे ड्रॉ करना है, पेंट करना है. पेज नंबर 39 नेचर ड्राइंग ब्लैंक स्पेस पर मैंने बना लिया है. अब बता रहा हूँ, बाकी नज़दीक से बता रहा हूँ. ड्रॉ रियलिस्टिक नेचर ड्राइंग ऑफ पेरिविंकल और चांदनी इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव. लेकिन आप दोनों ही बनाएंगे, आप दोनों ही बनाएंगे. ओके, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों ही बनाएंगे. फिर एग्जैक्ट वाटर कलर्स इन देम. उसके बाद वाटर कलर करना है. देखिए थोड़ा शेडिंग करना है वाटर कलर से, कहीं पे लीफ पे कहीं येलो, कहीं लाइट ग्रीन, कहीं डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, इस तरह से कहीं रियलिस्टिक लगे. प्रिपेयर अ क्रिएटिव नेचर ड्राइंग इन 5x5 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द साइड अबाव. डू कैलीग्राफिक वर्क इन इट एंड फिल वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स इन इट. इसके बाद ऊपर 5x5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना के इस तरह से लीफ या उसकी डाली जो बस है बनाकर फिर कैलीग्राफिक वर्क करना है. पहले आपको ये जो एक ही पेज पर, पेज 39 पे दोनों ही फ्लावर का प्लांट ड्रॉ करना है और फिर ये भी बनाना है. ओके, आपको नज़दीक से बता दूँ. ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा ड्रॉ करके बता दें. पहले तो बीच में बीचों बीच हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, दोनों प्लांट ड्रॉ करना है ना हमें. इसके बाद 5x5 सेंटीमीटर का स्क्वायर दोनों साइड पर बना लेना है. फिर अंदर इस तरह से हल्के से डाली फिर लीफ बना लेना है. ओके, फिर देने फिर कलर करने के कलर से कर कंप्लीट करेंगे और फिर केक पेन से
टेक्सचर बनेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। अब ये पेरिविंकल, अब चांदनी वाला प्लांट।
तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद बन गया स्केच पर निशान। इसके बाद ये फिर जो भी क्रिएटिव डिज़ाइन करना है यहाँ पे, फिर कुछ टेक्सचर बनने हैं यहाँ पे इस तरह का है। कलर कर लेने के बाद अलग अलग जगह पे थोड़ा लाइट कलर कर लेना, और उसके बाद ये सारे जो टेक्सचर्स हैं वो स्केच पेन से। ऐसे बराबर इसके बाद कलर करना। ये देखो पट्टों पे कहीं पे येलो कलर, कहीं पे लाइट ग्रीन कलर, कहीं पे बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह से कलर करें। डाली पे भी वैसे तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ज़रूरत पड़ने पर स्केच पेन यूज़ करना, खास करके इसमें जो टेक्सचर करने वो स्केच पेन से या कलरिंग स्केच पेन से या कलरिंग बॉल पेन से करना। ओके चिल्ड्रेन, तो यह है आपका होमवर्क पेज नंबर 39 नेचर ड्राइंग आपको होमवर्क। ओके चिल्ड्रेन, बाय।